हेलो गाइज, आज की वीडियो में जानने वाले हैं कैसे हम लोग अपने मोबाइल प्ले स्टोर पर अपना ऐप कैसे हम लोग खोज सकते हैं, मतलब कि हाउ टू फाइंड ऑन आउन ऐप इन आवर प्ले स्टोर। तो देखिए, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता कि यार अपना ऐप को प्ले स्टोर पर खोज कैसे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक दिखाऊंगा डेमो, और वो डेमो दिखाने के बाद ही मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग प्ले स्टोर पर ऐप को खोज सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ प्ले स्टोर को। जैसे देखिए, हमारे पास ये प्ले स्टोर ओपन हो चुका है और मैं आपको दिखा रहा हूँ लैपटॉप वर्जन में। आप सेम चीज़ आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो और टू कॉपी वही काम करें, क्योंकि प्ले स्टोर दोनों में एक ही काम करता है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पेशली लैपटॉप के द्वारा बड़े बड़ी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐप मिलता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि कोई भी एक ऐप को, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ क्लिक करता हूँ ऐप पर, और ये देखिए ऐप है। अब इस ऐप में यहाँ देखिए दिया हुआ है YouTube Go, ठीक है। तो YouTube Go पर क्लिक करेंगे तो देखिए, हमने यहाँ सिर्फ YouTube Go पर क्लिक किया और उसके बाद हमको ये पता नहीं है कि YouTube जो है ये बनाया है ऐप को, उसका डेवलपर अकाउंट कौन सा है। तो देखिए, नीचे में यहाँ देखिए दिया रहता है YouTube को, नीचे में यहाँ दिया हुआ है Google LLC, और यहाँ दिया हुआ है वीडियो प्लेयर एंड एडिटर। तो यहाँ देखिए दो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा आपको तो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा में। आपको चलते हैं फिर से वीडमेट तरफ से जाता हूँ मैं यहाँ, और यहाँ देखिए यहाँ सेम चीज़ वही दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ वीडियो प्लेयर एडिटर, और यहाँ दिया हुआ है इन शॉर्ट। तो ये जो दिया हुआ है ना फर्स्ट नंबर में InShot.InShot NIC, जो क्लिक करेंगे तो जो ये ऐप बनाया है वही डेवलपर कितना ऐप बनाया है देखिए यहाँ क्लियरली यहाँ हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हाय गाइज, मैं देख रहा हूँ आप देख रहे हैं क्लिक टू कोड यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तब हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में दिया रहेगा बेल आइकन, उसको प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको आप दिखाता हूँ डिटेल में, आपने देखा शॉर्ट में। अब देखिए, सपोज मैं बात कर रहा हूँ अपने, जैसे कि मैं एक डेवलपर हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने ऐप को कैसे मैं सर्च कर सकता हूँ, कैसे मैं फाइंड कर सकता हूँ गूगल प्ले स्टोर पर। तो सबसे पहले मैं अपने ऐप का, जो मेरा एक ऐप का नाम है क्लिक टू कोड, देखिए इतना डालने के बाद ये हमने एंटर कर दिया। देखिए, गूगल प्ले स्टोर में मेरा जो ऐप है, जब मैंने यहाँ डाला क्लिक टू कोड तो मेरे जितना भी ऐप है अधिकांशतः हमको ऐप यहाँ देखिए शो करवा दिया। जैसे ये जो मेरा है क्लिक टू कोड, ये जो ऐप है मेरा मेन ऐप है, इसमें आप बहुत तरह का की या फिर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से मिल जाएगा इस ऐप के द्वारा। और अब हमको फाइंड करना ये है कि यार मैंने कितना ऐप को क्रिएट किया है अभी तक, और कितना ऐप मैंने गूगल प्ले स्टोर में रखा हूँ। देखिए, हमारा जो यहाँ दिया हुआ है ऐप डेवलपर का नाम यहाँ क्लिक टू कोड ही रखा हुआ है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखिए, सिर्फ मेरा ऐप, जो जितना ऐप मैंने क्रिएट किया है उतना ऐप देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा। कुल मिला के देखिए कितना, 6, 12, 14 ऐप यहाँ मैंने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अब चलिए, अपना बात तो हटाते हैं, हटाइए, इग्नोर कीजिए मेरे बात को। अब चलते हैं किसी दूसरे का ऐप के बारे में। तो यहाँ आते हैं वापस और एक अलग ऐप देखते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया स्पोटीफाई, ठीक है, या फिर अमेजोन प्राइम। तो अमेजोन प्राइम क्लिक किया, और अमेजोन प्राइम क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है अमेजोन मोबाइल LLC। इसको जब क्लिक करेंगे तो अमेजोन प्राइम का जो ऐप बनाया है उस डेवलपर अकाउंट द्वारा कितना ऐप बना हुआ देखिए यहाँ क्लियरली मिल जाएगा। देखिए, आपको देखा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ अमेजोन का जो शॉपिंग साइट है उसी डेवलपिंग अकाउंट से बना हुआ है, प्राइम वीडियो भी, अमेजोन म्यूजिक भी, अमेजोन अलेक्सा भी, अमेजोन किडले भी, अमेजोन फोटोज भी, देखिए बहुत सारे इस तरह का बना हुआ है। तो इस तरह से आप अपने ऐप को गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो। पहला नाम से सर्च कीजिए, अगर आपसे नाम से नहीं मिलता तो आप अपने डेवलपर अकाउंट से सर्च कर सकते हैं, और बहुत तरह का मेथड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये बताया सिर्फ दो तरह का मेथड जो आपके लिए बहुत ही आसान रहता है। पहला, ऐप का नाम नहीं मिला तो यार फिर डेवलपर का नाम, और डेवलपर का नाम से अगर आप सर्च कीजिएगा, हाँ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि नाम जो रहेगा डेवलपर का नाम उसी तरह लिखना पड़ेगा जिस तरह डेवलपर अपना नाम को प्ले स्टोर में सेट किया हुआ है, तो ही आप डेवलपर का अकाउंट। तो यही छोटी सी वीडियो थी, तो आप मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, मन में कोई सजेशन ख्याल हो तो फिर आप कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, बगल में दिया गया बेल आइकन उसको प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक करना, ताकि हमारी वीडियो आपके पास रोजाना पहुँचते रहे और आप कुछ न्यू चीज़ आप सीख सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।